हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस वीडियोज में। और आप सीखने जा रहे हैं कि वीवीए माइक्रो के थ्रू आप कैसे एक नोटपैड की या एक एचटीएमएल की फाइल कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक नोटपैड की फाइल हम बनाएंगे कैसे। उसके बाद हम एक प्रोजेक्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सब्जेक्ट हम यहाँ देते हैं। सब्जेक्ट देने के बाद हम यहाँ पे वीवीए का या फिर कुछ भी लिख देते हैं, एंट्री पैडी कर देते हैं सब्जेक्ट नेम। और सबसे पहले यहाँ पे हमें देना होगा डिम पाथ, हमें फाइल सेव कहाँ करना है एज ए स्ट्रिंग। उसके बाद फिर यहाँ पे हम पाथ ले लेते हैं कि हमें पाथ क्या है। तो हम जो पाथ देना चाहते हैं वो पाथ देना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पे यहाँ पा देना चाहते हैं, पहले से बना हुआ, इसको डिलीट मार देते हैं। हमने इन्वर्टेड कोमा में डाल दिया। उसके बाद पीडीएफ नोटपैड की फाइल बनाने का कोड होता है, ओपन। नहीं, यहाँ पे क्योंकि तो वो क्रिएट करेगा। और यहाँ पे हम फाइल नेम नहीं दिए हैं, स्लैश वन डॉट txt। और यहाँ पे हमें देना होगा सेट सेट। अब यहाँ देंगे ओपन पाथ फोर आउटपुट हैश, ये हमारा फाइल क्रिएट हो गया। फिर यहां लिखेंगे राइट हैश वन कॉमा, यहाँ पे कॉमा, और यहाँ पे इन्वर्टर कॉमा में जो देना चाहते लिखना चाहते लिख दिया, दिस इज टेक्स्ट फाइल। और फिर यहाँ पे क्लोज हैश। अब मैं इसको एक बार रन करता हूँ, आई थिंक सेट पाथ नहीं होगा। अब यहाँ जाके देखिए एक फाइल बन गई और इसके अंदर दिस इज द टेक्स्ट फाइल, लेकिन इन्वर्टर कोमा भी लेके आया हुआ है। अब बगैर इन्वर्टर कोमा के हम लिख नहीं सकते। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ इन्वर्टर कोमा नहीं देते हैं तो क्या होगा, ये फाइल वर्क करेगा ही। इसलिए इन्वर्टर कॉमा देना मजबूरी है, बट इन्वर्टर कॉमा तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम एक सेल पे पाथ दे देंगे, एक सेल को रेफर कर देंगे। अब सेल की बात आई तो हम एक प्रोजेक्ट, ये तो समझ में आ गई आपको कैसे नोटपैड की फाइल हम क्रिएट करेंगे। यहाँ से क्रिएट होता पाथ, यहाँ डाल दीजिए, यहाँ से हमने क्रिएट किया, यहाँ हम कोई वर्ड को लिख सकते हैं और जितना लाइन उतना लाइन आप यहाँ पे लिख सकते हैं वन बाई वन करके, इस तरह से एंटर करते हैं। मुझे यहाँ पे एक छोटा सा चाहिए, एक छोटा सा चाहिए, प्रोजेक्ट चाहिए। बेसिकली मैं अपना वीडियो आर्टिकल बनाना चाहता हूँ। मेरे पास यूट्यूब चैनल मेरा चलता है और यूट्यूब चैनल पे हमने बहुत सारे वीडियोज हमारे, तो हमने तकरीबन 500 वीडियो का लिस्ट हमने यहाँ पे डाउनलोड किया है जो कि आपके सामने यहाँ दिख रहा है। अब मुझे इससे एक वीडियो चैनल्स जो है हमें तैयार करना है एक, तो ब्लॉग में, तो ब्लॉग में किसी भी वीडियो को एचटीएमएल कोड इस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो वीडियो का जो चैनल है वो हर बार चैनल का नेम अलग अलग होगा। उसके बाद नीचे हम यहाँ ऊपर और नीचे दोनों तरफ टाइटल देंगे और इस तरह नीचे नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे हम लिखते जाएंगे अपना। तो चलिए इसके लिए हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो हमने फाइल क्रिएट कर दिया, यहाँ पे हम लूप लगाते हैं, फोर आई इक्वल टू चले टू टू
यहाँ आपका 2 से लेके 501 तक, 501, और फिर यहाँ पे नेक्स्ट पहले हमें टाइटल चाहिए, तो यहाँ पे एड इन्वर्टर कॉमा नहीं, इन्वर्टर कॉमा में लिखेंगे फिर वो बाहर इन्वर्टर कॉमा प्रिंट हो जाएगा ना, तो इसके लिए हम यहाँ सी टू पे एक सैंपल कोड हम लिख देते हैं, ऑफसेट रेफरेंस में हम इसको लेते हैं कॉमा, इसको सिलेक्ट करते हैं -1 कॉमा कॉलम, एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग आ गया, और इसमें हमारा सबसे पहले ये नहीं, ये वीडियो टाइटल आ गया एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग, इसमें हम एच टी आई हेडिंग लगाना है, इसको H1 का हेडिंग, लेकिन इसको लगाना है इन्वर्टेड कॉमा में क्योंकि HTML में ऐसे लिखा जाता है, फिर यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमा लिखते हैं वॉच दिस वीडियो इन हिंदी, या फिर हिंदी में इसको हम कनेक्शन लिखना चाहेंगे, ट्राई करते हैं इसके बाद एक ट्राई करके देखेंगे क्योंकि हम यहाँ इसको हिंदी में लिखना चाहते हैं, गूगल ट्रांसलेटर पे हम आते हैं, और समझे इसको लिया और हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर, उसके बाद हम यहाँ पे पी टैग देते हैं, और फिर हमारा जो वीडियो का जो लिंक है जो हमने लिया है जो हमें फ्रेम में बनाना है, फ्रेम का ये है कोड, तो फ्रेम कोडिंग हम यहाँ पे लेके आते हैं, सब कुछ सेम रहेगा, हम यहाँ एम्बेड है ना यहीं पे तोड़ते हैं यहाँ, यहाँ जो देंगे वो देंगे हम फार्मूला जो हर किसी के लिए अलग अलग हो, यहाँ होगा ऑफसेट फार्मूला, और जहाँ जहाँ है हमें वहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना होगा, 0 है यहाँ पे इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा देना पड़ेगा, और यहाँ है 0 इसको भी डबल इन्वर्टेड, क्योंकि सिंगल इन्वर्टेड होगा तभी प्रिंट होगा जब इस पर आप डबल इन्वर्टेड कॉमा देंगे,
वी वी में भी सेम आता है। रेफरेंस को ले लिए कॉमा और इसके बाद हम रो नंबर इसको सिलेक्ट करते हैं कॉमा जीरो करते हैं। बस स्पेस में देना होगा यहाँ बिर्थ में स्पेस देना होगा। जे के पे तक जो है यहाँ इसमें हमें इन्वर्टर कॉमा क्लोज चाहिए तो यहाँ हम % डबल इन्वर्टर कॉमा दे देते हैं। यहाँ मुझे स्लैश एम्बेड स्लैश हुआ तो मुझे यहाँ पर डबल इन्वर्टर कॉमा देना है। जो बाकी सब सही है हमें सिर्फ जो है इसमें जो इन्वर्टर कॉमा इसमें चाहिए तो हम इसमें काम करते हैं। हम इसको सेलेक्ट करते हैं ब्रैकेट में कर्ली ब्रैकेट में और ये बी वन की जगह पर बी वन कर परफेक्ट है। चलिए आई फ्रेम हो गया। फिर यहाँ पे हम पी टैग देते हैं वीडियो टाइटल
टेक्स्ट करना भी होगा। इक्वल हम देते हैं यहाँ पे टेक्स्ट, नहीं रिकॉर्डेड भी डालना है ना, टेक्स्ट के अंदर में ऑफसेट सही है। उसके बाद हम यहाँ आते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं पब्लिश डेट को, और यहाँ पे आते हैं हम इसको सेलेक्ट करते हैं अमन जी। इसमें टोटल व्यू हो गया, वापस पीट है। अच्छा पीट है अबाउट टेनर में क्या करते हैं, हमारे पास लोकेशन है कंप्लीश सिटी, फिर यहाँ पे इंटर। अब इसी को हमें यहाँ राइट करना है, तो पहले हम एक राइट करके देख लेते हैं सही राइट है नहीं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 20 और 232 कर देते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं राइट RITE राइट #1 है, सीट 2 है, सीट 2 का H4567 17 था। सीट 2 डॉट रेंज
फोर। अब इसी कोड को हम लिखते जाएंगे। अब एक ही ट्राई करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, तो एक काम करते हैं हम 7। हिंदी को इसने रिकॉग्नाइज नहीं किया, हिंदी जो लिखा हुआ था उस हिंदी को रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो हिंदी वाले पार्ट को हटाना, हिंदी वाले पार्ट को हटाना, क्योंकि हिंदी को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। हिंदी के लिए है और शब्द है, तो हम अगले वीडियो में बताएंगे हिंदी क्या होगा। परफेक्टली हमारा वर्क कर रहा है और हम इसको सब में इमेज जो है इन्वर्टेड कॉमा लगा रहा है, सब में जो है इन्वर्टेड कॉमा लगा रहा है, इन्वर्टेड कॉमा को दे ही रहा है, सब जितना लाइन ऑफ कोड है उतने इन्वर्टेड कॉमा। एक काम और कर सकते हैं, अब एक इन्वर्टर कमा तो चलेगा लेकिन इतने सारा इन्वर्टर कमा तो नहीं चलेगा, क्योंकि इन्वर्टर कमा में टाइटल में दिक्कत हो जाएगा। तो मैं यहाँ टेक्स्ट ज्वाइन का फॉर्मा लगाता हूँ, टेक्स्ट ज्वाइन डिनोमिनेटर कुछ नहीं चाहिए, टू होगा और हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। आपका D2 तो एक कोड हम यहाँ पे सिर्फ D2 का लेते हैं, अब इसी को कॉपी करके हम एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और जाते हैं गूगल ब्लॉक में, ब्लॉक में जाने के बाद ये चीज़ हम यहाँ पेस्ट करते हैं, इसको अपडेट करते हैं और बैक करते हैं। Mm-hmm.
ये सब तो ठीक है, बट वो वीडियो वाला टाइटल नहीं है। तो वीडियो टाइटल लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल एच। सबसे पहले तो स्टार्टिंग में जो ये इन्वर्टर, एक मिनट, स्टार्टिंग में इन्वर्टर कॉमा लगा है उसको हटा देते हैं, लास्ट में जो लगा है उसको हटा देते हैं। अब इसको जो अपडेट करते हैं, यहाँ जो डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा है ना, ये दिक्कत की है। तो मतलब है कि जब हम लगा लेंगे तो कंट्रोल एच करना पड़ेगा, और इसमें लिखना होगा कि डबल इन्वर्टेड कॉमा कन्वर्ट इन द सिंगल इन्वर्टेड कॉमा रिप्लेस। लूप में डाल के पूरा बनाते हैं लाइन में लाइन। तो 22501, और यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें इसकी ए टू जो है उसको नंबर चेंज करेंगे, ए टू वैल्यू इक्वल टू आई। जैसे हम यहाँ आते हैं, इसमें जो टू है, अगर थ्री होता है तो पूरा चेंज होगा, आर्टिकल वर्ड फोर होता है तो हर चीज़ चेंज हो जा रहा है। तो हम इसको टू से शुरू कर रहे हैं, और ये लूप नेक्स्ट आई तक जाएगा और हमारा एक फाइल यहाँ बनेगा, इसको डॉन से। ऊपर देखिए रनिंग दिखा रहा है, और इसमें अभी सारे फाइल बन रहे, ख़त्म हो गए। अब यहाँ पे हम आते हैं और देखते हैं कि देखिए हो गया। अब इस पूरे को हम सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एच करते हैं, इसमें डबल सिंगल कोड को रिप्लेस कर देते हैं। ब्लॉगर में आते हैं हम, यहाँ न्यू ब्लॉग पे क्लिक करते हैं, और न्यू ब्लॉग पे क्लिक करने के बाद यहाँ हम देते हैं टाइटल कुमार 500। फाइल करने की बोल रहा है तो हम यहाँ पे एक्सेल नेक्स्ट वीवीए एड्रेस है अवेलेबल एक्सेल सुजीत डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम। यहाँ पे इसको सेव करते हैं, यहाँ पे हम पोस्ट पे आते हैं, न्यू पोस्ट, और न्यू पोस्ट पे आने के बाद ये पूरा मटेरियल 500 का मटेरियल हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ इसको ऊपर में टाइटल देना है लॉन्ग सुजीत
पावर बी आई नहीं टैली प्राइम है टैली प्राइम और हम इसको पब्लिश कर देंगे पब्लिश कंफर्म। अभी भी तो प्रॉब्लम है ये है क्योंकि इसने पूरा रीड नहीं किया है, ये डबल जीरो नहीं किया है। एक मिनट एक मिनट कंट्रोल एच अब किया नहीं अभी भी नहीं किया। वैसे ना सर्कल ए प्राइस अभी नहीं हो रहा, हम इसको कॉपी सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल ऊपर में आते हैं कंट्रोल एच करते हैं इसमें पेस्ट करते हैं इसको सिंगल कोटेशन मार्क में रिप्लेस ऑल करते हैं। अब हुआ देखो में अरे नीचे की हुए इस कारण से नहीं हुआ कंट्रोल एच। अब वापस हम ब्लॉगर पे आते हैं ए यहाँ पे जो ब्लॉगर है उस पर नहीं हुआ है इसको कंट्रोल जेड करके हम कंट्रोल इसको पब्लिश कर और फिर इसको हम प्रीव्यू पे आते हैं बहुत बड़ा हो गया। तो इस तरह से देखिए हम एक वीवीए जो काम जो है सिर्फ हम रिपोर्ट के लिए नहीं हम इस तरह के चीज़ों के लिए वीवीए का इस्तेमाल करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिएगा। थैंक यू।